मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे आया था। आप लोगों में ऐसी एनर्जी है ना, मुझे अब भी ऐसा लग रहा था कि मैं आधे घंटे पहले इसी स्टेज पे था। ऐसा था क्या? वेल यार, सबसे अच्छा लगता है कि जब गाने बैक टू बैक हो और गाने चल रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बैक टू बैक दो प्रोजेक्ट के लिए आपको प्रमोशन के लिए आना पड़े और ऐसा ऑडियंस हो, ऐसे ऐसे प्यार करने वाले मिले हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? So he is a very important part of this video, obviously, and Gurmeet. And thank you so much for all your love. You guys have loved the song, and also there were many reels made on, I think, the very first and second day, and people were actually burning their hands, and that was pretty crazy. So whoever was making reels, please don't do that. But thank you for all your love. Amazing, amazing. So हम लोग ने तो ये song बहुत बार देख लिया अपने phones, टेलीविजन, लैपटॉप्स पे, बट ऐसा चांस कौन मिस करेगा दैट वी आर वॉचिंग द सॉन्ग विथ यू गाइज। तो एक बार हो जाए, सो लेट्स हैव द वीडियो ऑफ दिल पे जख्म, लाइट्स ऑफ। थैंक यू सो मच, वी हैड अ लवली टाइम वर्किंग टुगेदर एंड देयर इज अ लॉट आई हैव लर्नड फ्रॉम गुरमीत। Honestly, I've had deep conversations with him, and I think what matters is you being a good person, and that's something that he is. And we've had an amazing time working with Ashish sir also. I think he really, really pushed us to get the character out, and there were no retakes. Everything was like in one take. So yeah. Well, yeah, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गाना है जो हमने किया है, और you know, इसमें बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि आप इतने दूर जाते हो और शूट करते हो, और फिर हम यू नो इंतज़ार करते हैं कि लोगों को कैसा लगा, और बड़ी खुशी होती है कि जब लोग पसंद करते हैं। और आज हम यहाँ पे कॉलेज में, हम दोनों यहाँ पे, दो हम अर्जुन को मिस कर रहे हैं, लेकिन जो वाइब यहाँ पे हमें मिला है कॉलेज में इन बच्चों के बीच में, और जो गाना इनको पसंद आया, जिस तरीके से हमने मस्ती की, आई थिंक ये बहुत दो साल के बाद ऐसा हो रहा है। यू नो नॉर्मली ऐसा होता था जब भी फिल्में रिलीज़ होती थी, कुछ होता था, हम ऑडियंस के बीच में, अपने लोगों के बीच में जाते थे, लेकिन मुझे लगता है दो साल के बाद मैं ऐसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और जो वाइब यहाँ पर है वो मज़ा आ गया। वेल मुझे ऐसा लगता है कि भूषण जी ने मुझे मौका दिया, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो भी काम मिले उसको शिद्दत से करना चाहिए, और बहुत दिल से काम किया और अच्छे गाने मुझे मिले। आज तीन चार गाने, इनफैक्ट पांच गाने हो गए, और 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं, और इतने लोगों ने मुझे देखा है, तो आई थिंक भूषण जी की वजह से यहाँ पर हूँ, और बहुत ही दिल से काम करना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर मुझे ऐसा फील होता है कि आप जितने ज़्यादा ऑडियंस के बीच में जाओ, जितने लोग आपको देख पाए, वही हम एक्टर चाहते हैं, और वही मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इतने लोगों के बीच में जा चुका हूँ इस गानों की वजह से। और गाने, हम सभी गानों के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मुझे लगता है कि फिल्म, शो, सीरीज़ आप एक बार दो बार देख सकते हो, लेकिन गाने एक ऐसे हैं जो आप बार बार देखना चाहते हो, और जब भी आप बार बार देखते हो, गाने सुनते हो, तो आपको एक्टर का चेहरा नज़र आता है। तो आई थिंक आप हमेशा उनके बीच में रहते हो, और यही मुझे चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें चल रही है साथ में। मुझे लगता है ये गाने जो है ये मेरे खुद के गाने हैं, और साथ में काम करते रहना, यू नो मनोज मुत्तस्सिर, जुबिन, तुलसी एंड कशिका, आई मीन शी इज़ सो टैलेंटेड, इनके साथ काम करने को मिला, और मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को इनसे मिला। तो आई थिंक ये पूरी जो टीम जब आती है साथ में, यू नो आशीष पांडा हमारे जो डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैंने बैक टू बैक काम किया, और हमारे नवनीत भुट्टर जिनके साथ अभी रिसेंटली काम किया, आई थिंक ये पूरी टीम जो है वो मुझे लगता है फैमिली की तरह है। एंड वर्किंग विद जुबिन इज ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी स्टार। सो आपका किस तरह से 6 लगातार हिट्स जुबिन सर के साथ, उसके बारे में हाउ डू यू मिस हिम टुडे? वेल मेरी और जुबिन की का एक रिश्ता ही अलग है, मतलब हमारे बीच में जो दोस्ती है, जो बॉन्डिंग है, वो दोस्ती से कहीं बढ़ के, मुझे लगता है भाई से बढ़कर है। हम दोनों बहुत
इतने बहुत ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन हमें हमारे बीच में वो कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब इतना प्यार होता है तभी यू नो वो एक्सप्रेशंस, क्योंकि जब जुबिन गाते हैं वो बहुत दिल से वो आता है, तो मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरे कंधों पर आती है कि मैं उसको उस खड़े तक तो वो मैं लकीली कर पाता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं और जुबिन ने सिर्फ शादी नहीं की है, लेकिन हमारे बीच में जो रोमांस है वो बहुत है और लोगों को बहुत पसंद है। जो कमेंट्स भी आते हैं तो ऐसे लगता है कि जुबिन और गुरमीत दोनों साथ में आ रहे हैं, तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। I think one thing I really like about Gurmeet is also his professionalism. So after shooting, we had also gone out and we decided this is our target and we're not going to like extend that. We're going to come back before time. Gurmeet was going on telling me, Kashika, now I want to go back here. Yeah. I have a shoot in the morning. But yeah, that's one good thing. And I think, yeah, like he said, working with Zubin, working with T-Series, Bhushanji, I think it's really, really big for all of us and it's a responsibility that we hold. So it's been amazing working with all of them, and I really want to thank NMIMS for having us here and for performing so well on our song. This was a complete surprise. So thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah.